कोई भी सबको जी नर्मदे हर उत्तर नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग मालसर से हम आगे निकल गए हैं। यहाँ पर रास्ते में ये महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर हम टाटम्बरी बापू की सेवा में जुड़े हैं 30 साल से जी करते हैं और साथ में परिक्रमा चलते हैं। कभी कभी चलते थे, कभी कभी गाड़ी भी खुद की रखते हैं बापू, तो गाड़ी में भी परिक्रमा करते हैं। जैसी मौज ऐसे करते हैं। 24 घंटे में एक बार फरार लेते हैं आलू और छाछ और सिंग दाना, और हम भी साथ में ऐसे ही पाते हैं। मैया की कृपा से घूम रहे हैं और जो बने वो सेवा परिक्रमा वासी की करते हैं। हमारे मालसर गांव में सामने किनारे मालसर गांव पड़ता है मेरा, और मैं नावरा में रहता हूँ। 19 आश्रम ऐसे मालसर में तो है, लेकिन परिक्रमा की सेवा में खाली योगानंद आश्रम है, सत्यनारायण आश्रम है, कंकेश्वरी माता का आश्रम है और गजानन का आश्रम है। वो परिक्रमा की सेवा अच्छी तरह से करते हैं। गुरुजी का नाम क्या बताया आपने? टाटम्बरी सरकार नाम है गुरुजी का नाम हमारे, और दूसरी टाटम्बरी सरकार उनके नावरा गांव में आश्रम है, महेश्वर में एक आश्रम है और खेड़ी घाट बड़वा में आश्रम है, खंडवा जिला पड़ता है। आपका नाम क्या बताया था? हमारा मुरजी भगत है मेरा नाम। तो मुरजी भाई टाटम्बरी सरकार की सेवा में 30 साल से हैं। 30 साल से महाराज जहाँ भी परिक्रमा में रहते हैं तो दादा उनके साथ ही रहते हैं, इसी तरह नर्मदा किनारे। महाराज जी आप 30 साल से गुरुजी के साथ हैं परिक्रमा में, तो कुछ परिक्रमा का अनुभव या परिक्रमा से क्या लाभ है थोड़ा उसके बारे में बताएं। परिक्रमा में ऐसे तो बहुत लाभ है, भवों के पार हो जाता है, अब आपका कुटुंब का कल्याण हो जाता है, आपका 7 जन्मों का उद्धार हो जाता है और आपकी 7 पीढ़ी तर जाती है मैया की कृपा से। एक बार परिक्रमा आप कर लो तो बहुत आनंद है। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर संगल में हो मंगल यात्रा हो आपकी बस। तो ये सब और पहले भी वाली अलग होता है तो काम करिए ना यो कौन से लिया चंदा आया चंदा चंदा बहुत अच्छी है।